अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट में महवेश हजरात, जो कि पाकिस्तान की मरूफ अदाकार हैं, वो इंसाफ के लिए हैं। इनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लेंट चलाई जा रही थी, आज अदालत ने इनको बड़ा रिलीफ दिया है। उनके वकील खालिद नवी साहब से बात करते हैं। खालिद साहब, अदालत ने क्या दरख्वास्त दी थी, जिसमें और क्या अदालत ने हुक्म दिया? आईनी दरख्वास्त दाखिल की है कि बेसिक उसमें ये बताया कि कोई जो ब्लॉगर है आदिल राजा, ये बदनाम करने के लिए मैलिशियसली ये झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसको फिर दूसरे ब्लॉगर पता नहीं 30-40 हैं वो लिफ्ट कर रहे हैं, फिर वो ट्वीट के ऊपर भी डिफरेंट गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उस सारे सिस्टम को ब्लॉक किया जाए और ये सारे रिमूव किए जाएं और इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन किया जाए, FIA में इनकी FIR काट के मुकदमा किया जाए। अच्छा, इसमें खैर साहब, आपने FIA से रिजू किया था? FIA को हमने ईमेल कर दिया। कार्रवाई नहीं की इससे पहले? सर बस वो ऐसे काम करते हैं, आपको पता है। अच्छा, तो वहाँ FIA को जब दरख्वास्त दी थी तो क्या मौका किया था आपने? क्या कहा? यही बताया था कि सर हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरों के और किस्म को बदनाम किया जा रहा है, ज़्यादा फौरी कार्रवाई की जाए। इतने में फिर हम हाई कोर्ट आ गए, ठीक है, हम थोड़ा वेट करते लेकिन बुमरा पहले आ गई, ठीक है। इसलिए तो हाई कोर्ट ने क्या अब कहा है कि जो ये जो इस किस्म का मवाद है तहकीक जी उसको सारा रिमूव किया जाए, ठीक है, और उनके खिलाफ तहकीकात की जाए, एक्शन लिया जाए और एक्शन लेके 26 तारीख को रिपोर्ट दी जाए, ठीक है, ठीक है ना? सही है। तो उसमें एक चीज़ और है कि जिन लोग अदाकारों के 4-5 के नाम लिए, उनके एक के खिलाफ पहले जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी अदालत ने हुक्मनामा दिया कि अब उनके खिलाफ भी मवाद हटा दिया गया। अब दूसरा ये कि महवेश की तरफ से दरख्वास्त दी गई, इनके खिलाफ जो भी सोशल मीडिया पर मवाद मौजूद है उसको हटाने का कहा है, तो अब ये इनकी दरख्वास्त पर तो हो गया। अब क्या जो मुल्ज़िम हैं, चूँकि वो मुल्क से बाहर है, उनके खिलाफ तो आपने मुतालबा किया कि अदालत से कि बाकायदा तौर पर तहकीक की जाए, तो क्या उसको FIA पाबंद है कि बुला के तहकीकात करे कि क्या मोटिव था, क्या मकसद था अदाकारों को बदनाम करने का? सर बात यह है कि अब लंदन से बुलाना जो है ये हमारे अभी के हाथ में नहीं है, अगर होता तो ये शहबाज शरीफ इनको कब से बुला लेते, ठीक है, ये तो वजीर आजम बन के आते हैं, ठीक है सर। तो अभी इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हॉलीवुड की अदालतों में जो लोग इंसाफ के लिए आ रहे थे वो भी आपने ऑब्जर्व भी किए होंगे, आप पाकिस्तान का एक इमेज दुनिया के सामने रखते हैं कि किस तरह के लोग हैं, तो आज एक आपको खुद को इंसाफ मिला अदालत से, दूसरा लोगों को के साथ जो अदालत में हो रहा था उस पर किस नज़र से देख रहे हैं? आई थिंक क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं आई यहाँ पे, मैंने देखा कि बड़ी एक प्रोसेस होता है, अपने तरीक़ेकार से हियरिंग होती है और जिस तरह लोग और माशाल्लाह जो हमारी बाकायदा जो जुडिशल सिस्टम है, जो जजेस बैठे हुए थे वो सब अपने प्रॉपर्ली हर केस को सुन रहे थे और उसके ऊपर जो भी उसके लिए जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो की जा रही थी, और ये सब चीज़ें देख के मुझे जिस तरह उन्होंने हमारा केस भी सुना है और उसको जो है वो सारा जो भी चल रहा है सिलसिला, मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे इनफैक्ट यकीन है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा और जिस मसले की वजह से मैं आई हूँ उसका हल किया गया। अच्छा, जो पाकिस्तान के मरूफ अदाकार ख़वातीन ने खासतौर पर उनकी तस्दीक तो एक अरसे से की जा रही है, अब क्यों आप लोग अदालत आ रहे हैं, अब क्या कि ज़्यादा हो रही है? पहले बहुत हो गया, हाँ, चुप रह के भी देख लिया, बोल के भी देख लिया, और मेरे केस में मैं आज अब अदालत तक आ गई हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा ज़हनी तकलीफ़ और अजियत से मैं और मेरी फैमिली गुजर रहे होंगे कि मेरी बर्दाश्त की अब सारी लिमिट्स ख़त्म हो चुकी है एंड इनफ इज़ इनफ। अब जो भी ये चीज़ें इस तरह की फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है और उनको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है कि किसी को भी किसी के भी XYZ के कुछ भी बोल लेने से आप किसी को भी ऐसे नहीं ठहरा सकते कसूरवार या किसी की किरदार कशी इस तरह नहीं कर सकते, ये सरासर गलत है और ये एक जुर्म है। सो इस चीज़ की रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और इस पर अथॉरिटीज़ को एक्शन लेने की ज़रूरत है क्योंकि ख़वातीन की इज़्ज़त और डिग्निटी की हिफाजत अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है और उनसे मेरा सवाल है और उनसे ही मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ के लिए इस मसले पे हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर शहरी की जिम्मेदारी। तो ये मकसद क्या हो सकता है कि चंद अदाकारों का जो कि हमेशा नाम बनाया, नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो बड़े नामों को क्यों निशाना बनाया जाता है, क्या मकसद हो सकता है? क्लिकबेट, क्योंकि जब मेरा नाम यूज़ होगा बाकी अदाकारों का नाम यूज़ होगा तो लोग, क्योंकि हमारी फॉलोइंग इज मच मोर देन बहुत सारे पॉलिटिशियंस का माइंड भी बड़े अदाकारों की जितनी उनकी फॉलोइंग नहीं होती, तो इस तरह के नाम इस्तेमाल करने का मकसद होता ही है कि उनकी बात को या उनको वही सस्ती शोहरत मिल जाए जो कि बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है और बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग और लोगों को
यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब शटअप कॉल देने की जरूरत है, जो लोग अदाकारों की तस्दीक करते हैं उनको इसी तरह भुगतना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेटर्निटी की तरफ से आई हूँ, पुबला ने भी केस फाइल किया, मैंने भी किया है, और ये एक मैसेज आना चाहिए तमाम खवातीन को कि किसी को इजाजत, सब खवातीन के लिए रास्ता खोल दिया है कि अगर वो भी फील करती हैं कि उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, फौरी तौर पर कोर्ट में आ जाएं और अदालत उनके हक में ऑर्डर करेगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अदालत में मौजूद हूँ, और जिस तरह से ये जो एक कैंपेन चलाई जा रही है बड़े अरसे से, जो है वो इस तरह की बातें और इल्ज़ाम बेबुनियाद, फॉल्स एलिगेशंस, और एक तरह की कॉन्सर्टेड कैंपेन है जो कि वॉज ऑन गोइंग, और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आई। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा नया साल इस तरह शुरू होगा कि मैं अपने ऊपर किए जाने वाले कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से मुझे अदालत के दरवाजे तक आना पड़ेगा, लेकिन हियर आई एम, क्योंकि मेरे सब्र की, मेरी बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। एंड आई फील कि जो भी ये इस तरह की कैंपेन्स चलाते हैं या इंसिनुएशन करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, साथ साथ उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के झूठ को, इस तरह की बकवास को, अफवाहों को, आज के दौर में जबकि बड़ी ईजीली चीज़ों को फैब्रिकेट किया जा सकता है, बड़ी ईजीली फेक चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मुझे हैरत होती है कि लोग किस तरह इस चीज़ को मान लेते हैं। सो यही कहूँगी कि जितने भी लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं, मैं यहाँ पे अपनी फ्रेटर्निटी की तरफ से खड़ी हूँ, यहाँ जितनी ख़वातीन हैं मेरे मुल्क की, मैं उनकी तरफ से खड़ी हूँ यहाँ ये बताने के लिए कि किसी औरत के किरदार पर इस तरह किसी को भी कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है, और मैं अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए यहाँ अदालत आई हूँ इंसाफ की उम्मीद लेकर कि जितने भी लोग जो ये कर रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसी की इस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन करना, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना, हार्मफुल गॉसिप फैलाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये तमाम चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस हैं एंड इट्स अगेंस्ट द लॉ। और ना सिर्फ वो लोग जो ये प्रोपेगेंडा या इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बल्कि वो भी जो इन झूठी खबरों को, इन फजूलियात को, इस रबिश को आगे फॉरवर्ड करते हैं बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी जानकारी के, ये भी एक क्राइम है। सो यू आर कमिटिंग अ क्राइम और यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। अब मुझे सिर्फ अथॉरिटीज से ये जवाब चाहिए कि वो इस सब को ख़त्म करने के लिए, इस सब को रोकने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं, बिकॉज वी हैव हैड इनफ एंड दिस कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट टारगेटेड बुलिंग और हरासमेंट नीड्स टू स्टॉप। मैं ये बताएं कि ये कोई प्लान्ड कैंपेन है आपके खिलाफ, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है या वैसे ही किसी ने शुरू कर दिया बस? देखिए, मोटिव कोई भी हो, आपके मुल्क के आर्टिस्ट की इज्जत करना, सबको हमें बाहर मुल्कों में आर्टिस्ट की इज्जत होती है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है उनके काम को, उनकी अचीवमेंट्स को, बट यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मेंटली सिक लोग मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा एक उनकी फेवरेट हॉबी बन चुकी है हमारे आर्टिस्ट को स्कैंडलाइज करने का, एंड इसीलिए मैं आज यहाँ अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, अपने मुल्क की खवातीन के लिए खड़ी हूँ, अपने हुकूक के लिए खड़ी हूँ और इंसाफ मांग रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। दिस इज़ डैमेजिंग मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, बहुत इमोशनल ट्रॉमा और बड़ी अजियत और जहनी तकलीफ से गुजर रहे हैं हम लोग, मेरी फैमिली और मैं, इस सब की वजह से तभी आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एंड आई होप कि मुझे इंसाफ। थैंक यू। अच्छा, आदिल जहाँ यहाँ पर तो नहीं, आदिल जहाँ बाहर है, तो क्या बाहर भी आप इरादा रखती हैं उनके खिलाफ केस करेंगे जाके जिस मुल्क में वो है? ये ख्वाजा साहब जवाब। अच्छा, ख्वाजा साहब देखते हैं अभी, पहले ये बता देंगे। अदालत, अपने मुल्क की अदालत के बड़े शुक्र गुजार हैं, उन्होंने बड़ा कंप्रीहेंसिव ऑर्डर पास किया है इमीडिएटली अर्जेंट बेसिस के ऊपर खवातीन की इज्जत की हिफाजत के लिए, और मुझे उम्मीद है अगर इसी ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद पूरी तरह हो जाए, जिस तरह अदालत ने हुक्म दिया है कि फैक्स के ज़रिए इस ऑर्डर की कॉपी पीटीए को और एफआईए को, जो उनके मुतलका हुकाम है, उनको भेजी जाए और वो इसको इम्प्लीमेंट करें,
और 26 तारीख को उनको कोर्ट में तलब भी किया है ताकि वो आके जवाब भी दें इस दौरान उन्होंने किस किस को पकड़ा और क्या काम किया है, तो ये इंशाल्लाह खुद ही रुक जाएगा। ठीक है, जो मवाद है वो हटाने का कहा है सोशल मीडिया से? जी, वो ऑर्डर कर दिया हमने। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये चूंकि पहले अदाकारा जो कुबरा है उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, उसके बाद आज मैं पेशायात की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और अदालत ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया है, खासतौर पर पीटीए और एफआईए को कहा कि जो वीडियोज़ इनके खिलाफ मौजूद हैं उनको जो है वो हटाया जाए और इसके साथ साथ तहकीकात भी की जाए और आइंदा समाप्त 26 जनवरी को तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में रखी जाए।